मंच पे उपस्थित तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ प्रवक्ता श्री एनवी सुभाष जी, श्री सुधाकर शर्मा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता, अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रदेश के महामंत्री कांति किरण जी और मीडिया के भाइयों और बहनों, हैदराबाद आना हुआ और हैदराबाद आने पे हमने देखा कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा, 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। हमें कुछ बातों को समझना आवश्यक है। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पे इस देश में राजनीति आज से नहीं, आजादी के बाद से हो रही है। आज तक जिन जिन लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पे राजनीति की है, उन्होंने उनकी विरासत के साथ अन्याय किया है, अपमान किया है। आज तेलंगाना में जो सरकार है, ये सरकार खुद को कांग्रेस के साथ खड़ा करती है, कहती है कि विपक्ष में एकजुटता हो। कई बार ये प्रयास होता है, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं। आप बाबा साहेब की प्रतिमा एक तरफ बनाते हैं और दूसरे तरफ उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने बाबा साहेब को लगातार निरंतर अपमानित किया है। बाबा साहेब का देहांत 1956 में हुआ, 1956 में। बाबा साहेब को भारत रत्न कब मिला? चार दशकों बाद। इट टुक मोर देन फोर डेकेड्स फॉर द कांग्रेस गवर्नमेंट टू गिव बाबा साहेब अंबेडकर द टॉप मोस्ट सिविलियन ऑनर, और आप उनके साथ खड़े हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को मात्र वंचित समाज के नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया, शुद्ध रूप से कांग्रेस जिम्मेवार है, आप उनके साथ खड़े हैं। बाबा साहेब अंबेडकर सदन में ना पहुंचे, कांग्रेस जिम्मेवार है, आप उनके साथ खड़े हैं। और आप आज राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा आपकी कोई मंशा नहीं है। दलित समाज का विकास हो, दलित समाज का सशक्तिकरण हो, इसके लिए आपने क्या किया है? तेलंगाना की जनता ने आपको सेवा करने का मौका दिया, आपने सिर्फ और सिर्फ दलित समाज को ठगने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 के बाद हमने देखा है बाबा साहेब अंबेडकर की जन्म जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश, नेशनल हॉलीडे होना तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े हुए स्थानों को, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने दीक्षा ली, जहां उन्होंने लंदन में पढ़ाई की, उन सभी स्थानों को तीर्थ का दर्जा कब मिला है? पंच तीर्थ योजना से, तो अब मिला है मोदी जी की सरकार में। बाबा साहेब के लोगों को सम्मान और प्रतिनिधित्व कब मिला है? पहली बार देश के इतिहास में एक दलित समाज के व्यक्ति का कार्यकाल राष्ट्रपति भवन में समाप्त हुआ। संविधान के सर्वोच्च स्थान पे दलित समाज का व्यक्ति श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनते हैं और उनके कार्यकाल के समाप्त होते ही पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी समाज की बेटी उस स्थान पर पहुंचती है। संवेदनशीलता इसको कहते हैं। अगर वाकई में आप संवेदनशील हैं, अगर वास्तव में आपके हृदय में दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए प्रेम है, तो आप मात्र सिंबोलिज्म नहीं करेंगे, शुद्ध रूप से सांकेतिक बातें, प्रतीकात्मक बातें, रिप्रेजेंटेटिव बातें। आपने क्या कहा था? हम तो चुनौती देते हैं आपको, We want to challenge the present government of Telangana. What have you done for the Dalits, for the tribals, for the backward, for the marginalized? आपने प्रोमिस किया था, आपने तेलंगाना की जनता को, दलित समाज को यह बोला कि जब हम सरकार बनाएंगे तो दलित मुख्यमंत्री होगा। कहां है वो दलित मुख्यमंत्री? आपने छला है। This is a fraud that you have done to the Dalits of Telangana. आपके मंत्रिमंडल में कितने दलित हैं, हम पूछना चाहते हैं।
आपके पार्टी में कितने दलित हैं, हम पूछना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था कि दलितों को सम्मान कब मिलेगा, जब उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जब उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपने क्या दिया, एक मंत्री बनाया और आपने कहा कि सबको सम्मान मिल गया। आपको सीखना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार से। केंद्र में पहली बार हमने देखा है हाशिए के समाज को जो प्रतिनिधित्व मिला है, वंचित समाज को जो प्रतिनिधित्व मिला है वो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री। 27 मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, 12 मंत्री अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, 9 मंत्री अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं। क्षेत्रीय विविधता, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को प्रतिनिधित्व कब हुआ है, तो अब जाकर के हुआ है। आपने मंत्रिमंडल में एकमात्र दलित मंत्री बनाया और आप कहते हैं कि आप दलितों का कल्याण करते हैं। आपको सीखना चाहिए, केंद्र की सरकार से सीखना चाहिए। और हमें आज भी वो दिन याद है, तेलंगाना की जनता को भी ये याद है और इतिहास याद रखेगा। इतिहास याद रखेगा कि आपने दलितों को, वंचितों को बढ़ने से रोका है। और आज आपको लग रहा है, आज आपको लगता है कि हम स्टैचू बना देंगे, और स्टैचू बना, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन स्टैचू क्यों बना है, इसकी पृष्ठभूमि हम नहीं जानते हैं क्या? इसके पीछे किसका आंदोलन रहा है, किसने दबाव बनाया है, किसका प्रभाव रहा है? शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना यूनिट का रहा है, हमारे अध्यक्ष का रहा है, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के साथियों का रहा है। ये स्टैचू बना है तो हमारे कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है कि यह स्टैचू बना है। हमारी भी उतनी ही भागीदारी है। बाबा साहेब अंबेडकर किसी एक दल के हैं क्या? बाबा साहेब अंबेडकर किसी एक विचार के हैं क्या? बाबा साहेब अंबेडकर किसी एक परिवार के हैं क्या? अंबेडकर हैं तो संपूर्ण दलित समाज के हैं, संपूर्ण देश के हैं, और ये कोई नहीं रोक सकता है बोलने से। सिर्फ और सिर्फ आप भ्रमित करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। आपने चुनाव के पहले कहा कि हम प्रतिनिधित्व देंगे, हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, आपने कुछ नहीं किया। आपके पार्टी में आपके परिवार के अलावा कौन है? मुख्यमंत्री कौन रहेगा? तो स्वयं रहेंगे। मंत्री कौन रहेगा? तो पुत्र रहेगा। सदन में कौन जाएगा? तो पुत्री जाएगी। और तो और, आपने चुनाव के पहले क्या वादा किया था? आपने कहा था 3 एकड़ लैंड, 3 एकड़ भूमि हर दलित परिवार को दिया जाएगा। हम हिसाब मांगते हैं आपसे, तेलंगाना की जनता, तेलंगाना का दलित समाज आपसे हिसाब मांगता है। You have to fix the accountability. आज इतने सारे बड़े बड़े फार्म हाउस बन रहे हैं, आपके परिवार के फार्म हाउस बन रहे हैं, दलितों का फार्म कहां है? दलितों की भूमि कहां है? आपने तो खूब वादे किए थे, आपने तो बहुत प्रॉमिस किया था। एक एक वादे को, वो चाहे रिप्रेजेंटेशन का हो, प्रतिनिधित्व का हो, भूमि का हो, आवंटन का हो, आपने तोड़ने का काम किया है। आपकी पार्टी हो, आपकी सरकार हो, दलितों के प्रति, हाशिए समाज के प्रति इतनी असंवेदनशील है, देश की ऐसी कोई सरकार नहीं है। और आज जब चुनाव आया है, जब चुनावी वर्ष आया है, तो आपको बाबा साहेब अंबेडकर की याद आ रही है। तेलंगाना की जनता को याद है, तेलंगाना के हाशिए के समाज को, वंचित समाज को याद है। आप उनको भ्रमित नहीं कर सकते हैं, आप उनको ठग नहीं सकते हैं कि चुनावी वर्ष आया है हम प्रतिमा बना देंगे। प्रतिमा बनाया, उसका आभार व्यक्त करते हैं आपको। सचिवालय बनाया है आपने, सचिवालय का नाम रखा आपने बाबा साहेब अंबेडकर। उस सचिवालय में क्या क्या कार्यक्रम है, आपने क्या कहा था? हमें बताया गया अनुसूचित जाति के लिए जो अलग फंड होता है 8,000 करोड़ का, वो 8,000 करोड़ पिछले 9 वर्षों में देखिए कहां है। उसका ब्यौरा, उसका ब्यौरा कौन देगा, इसका हिसाब किताब कौन देगा? दलित बंधु स्कीम की बहुत चर्चा हुई, स्कीम में आपने क्या किया है, स्कीम से कितने लोग लाभान्वित हुए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। कितने दलित समाज के लोगों को आपने उद्यमशीलता प्रदान की, कितने दलितों को आपने उद्यमी बनाया? हमने देखा, और पूरे तेलंगाना में, पूरे देश में आपका वीडियो वायरल हुआ है। अपने पार्टी के प्लीनरी सेशन में आप कहते हैं कि मुझे पता है,
मुझे पता है कि दलित बंधु स्कीम में मेरे पार्टी के कौन कौन से विधायक इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से लोग कमीशन ले रहे हैं। आज आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री से कि आपको उन नामों को सार्वजनिक करना चाहिए। ऐसे कौन विधायक हैं आपके पार्टी के जो दलितों का हिस्सा खा रहे हैं? ऐसे कौन जनप्रतिनिधि हैं जो टैक्स पेयर्स को धोखा दे रहे हैं? जो पैसा दलितों को मिलना चाहिए था वो पैसा कहां जा रहा है? एक भी सक्सेस स्टोरी है क्या आपके पास? एक भी वीडियो है आपके पास जहां पे एक दलित समाज का व्यक्ति सशक्त हुआ हो, उसने उद्यमशीलता खड़ा किया हो, अपने अगल बगल के समाज को सशक्त किया हो? ऑन रिकॉर्ड जब आप ऐसा कहते हैं, अपने पार्टी के बड़े सम्मेलन में आप कहते हैं कि मुझे इस बात की जानकारी है कि कौन कौन से लोग हैं, इस स्कैम की बात आप खुद करते हैं। हम आग्रह करते हैं, पुनः आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री जी उन सभी नामों को सार्वजनिक करिए, उन सभी नामों को पब्लिक डोमेन में लाइए। ऐसे कौन लोग हैं? क्योंकि आप तो एक अलग नशे में रहते हैं, यू आर इंटॉक्सिकेटेड। आपको लगता है कि प्रतीक बना देंगे, संकेत बना देंगे, दिस इज द इंटॉक्सिकेशन ऑफ पावर, बट नॉट फॉर लॉन्ग। बहुत लंबे समय तक आपका जो सत्ता का नशा है वो चलने नहीं वाला है, और यही दलित समाज के लोग आपके इस नशा को चकनाचूर करेंगे, क्योंकि आपने उनको जो सपना दिखाया था, आपने कहा था कि आप भागीदारी देंगे, आपने कहा था कि आप हिस्सेदारी देंगे, क्या किया है आपने? तेलंगाना का संपूर्ण दलित समाज सड़क पे है और पूछ रहा है, ढूंढ रहा है बीआरएस के नेताओं को, कहां है वो बीआरएस के नेता? आप जाएंगे चुनाव में आपको पता चलेगा। हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश का जो यात्रा की, उन्होंने पद यात्रा की, हम लोगों ने फीडबैक लिया है, हम लोगों के पास सब रिपोर्ट है कि आप लोगों ने जिनको भ्रमित करके ठगा है वो आप हिसाब मांग रहे हैं, आपसे अकाउंटेबिलिटी तय करना ही आपको बताना होगा। हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा कहता है कि मेरी सरकार में मेरे विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि पिछले 9 वर्षों में दलितों के कल्याण के लिए प्रदेश की सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वो पैसा कहां गया है, किन किन योजनाओं में वो पैसा गया है, उन योजनाओं का क्या क्या आउटकम रहा है, उन योजनाओं का क्या क्या आउटपुट रहा है, दलितों के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, कितने दलितों को रोजगार प्राप्ति हुई है आपको बताना होगा, कितने दलितों को स्कॉलरशिप प्राप्ति हुई है आपको बताना होगा। सिर्फ खोखले वादे, और खोखले वादों के आगे प्रतीकात्मक और सांकेतिक बातें, ओनली सेरेमोनियल रेटोरिकल। दलित समाज हैज गॉन बियॉन्ड दैट, दलित समाज आज उससे आगे निकल चुका है, आपके प्रतीकों से आगे हम निकल चुके हैं, और हम आज आपसे हिसाब मांग रहे हैं। तेलंगाना की जनता आज आपसे हिसाब मांग रही है, और आपको यह हिसाब देना होगा। कहां है हमारी भागीदारी, कहां है हमारी हिस्सेदारी? हम क्या सिर्फ आपके लिए वोट बैंक है? आर द दलित्स ऑफ तेलंगाना ओनली अ वोट बैंक फॉर यू, मिस्टर चीफ मिनिस्टर? एवरी टाइम यू विल कम एंड मिसलीड अस इन द नेम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इन द नेम ऑफ एम्पावरमेंट, व्हाट हैव यू डन फॉर अस? आपने किया क्या है? एक वाइट पेपर जारी हो, वी डिमांड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट दैट यू रिलीज अ वाइट पेपर ऑन द एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन डन फॉर दलित वेलफेयर। वी नीड क्लियर कट अकाउंटेबिलिटी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ फंड्स that has been spent in the name of Dalit welfare, in the name of the welfare of the marginalized sections. Where has that money gone? What infrastructure have you created? आपने बनाया क्या है? आपने बनाया कुछ नहीं है, आपने बिगाड़ा है, आपने सपना दिखाया है और उस सपने को तोड़ने का काम किया है। व्हाइट पेपर जारी हो, हाईकोर्ट कॉग्निजेंस ले और इस भ्रम को दूर करिए।